तो दोस्तों टैग ने अपना नया ईयरबड्स अभी लॉन्च किया है, जो कि है टैग लिबर्टी बड्स, जिसकी कीमत आपको सिर्फ 900 रुपीज़ देखने को मिलती है। ये आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्लिपकार्ट से अच्छा अगर इसको आप शॉपसी एप्लीकेशन थ्रू बाय करोगे तो यहाँ पे आपको एडिशनली और भी 5% के डिस्काउंट मिल जाएंगे। सिर्फ ये ईयरबड नहीं, आप कोई भी ईयरबड बाय करोगे तो वहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिलते हैं। स्मार्ट वॉचेस पे इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आपको 7% के डिस्काउंट मिलते हैं। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, ये एक्चुअली फ्लिपकार्ट की ओन ब्रांड है। अगर मेरे लिंक को यूज़ करके डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एडिशनली और भी 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सॉफ्ट से एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है उसके रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे ऊपर दिए आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखा जाए कि 900 रुपीज़ के हिसाब से ये कितने ओवर थे, म्यूजिक टेस्ट, कॉल टेस्ट और इसका एक लेटेंसी टेस्ट करेंगे जैसे हमेशा से करते हैं, जिससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि ये 900 रुपीज़ के लिए कितने ओवर थे, इसको आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टोटल 500 रुपीज़ के अमेजन वाउचर की गिव अवे, 250 करके किसी दो जन को यहाँ पे गिव अवे मिलेगा। जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। बाकी हमारे चैनल पे हर एक वीडियो में ऐसे ही गिव अवे चलते रहते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना अगर हमारे चैनल पे नए हो, उसकी डिटेल्स आपको कहीं पे बीच में रहेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बॉक्स पैकेजिंग की। तो सामने तरफ आपको यहाँ पे टैग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, एक्चुअल ईयरबड्स के आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा। इस साइड आपको देखने को मिलेगा लिबर्टी बर्ड्स, और सेम आपको नीचे की तरफ भी आपको लिबर्टी बर्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स करके यहाँ पे मेंशन है। इस साइड देखोगे तो आपको कुछ की हाइलाइट्स है, जहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। टाइप सी के आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलेगा, गूगल और सीडी असिस्टेंट देखने को मिलेंगे, इंस्टेंट वेक एंड पेयर का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस साइड आपको इनके जो टैगलाइन देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ आपको कुछ अगेन कुछ की हाइलाइट्स है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टोटल म्यूजिक प्लेबैक टाइम आपको यहाँ पे 20 आवर्स की मिलेगी, जहाँ पे आपको टॉक टाइम सिर्फ आपको 8 आवर्स की देखने को मिलेगा। स्टैंड बाई टाइम आपको 180 आवर्स के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है, यहाँ पे आपको 2 आवर्स के अंदर ये चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इमर्सिव ऑडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 13 mm की आपको यहाँ पे डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। 300 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ मिलेगा, जहाँ पे अगेन आपको यहाँ 20 आवर्स के प्लेबैक टाइम दे देंगे। और आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल में आप सिर्फ प्ले पॉज नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सारे ईयरबड्स में ये फीचर होना ही चाहिए। और यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कॉल को आंसर कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ये सारे फंक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी देखते हैं जल्दी से इसका बॉक्स कंटेंट आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको हाउ टू कार्ड देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके आप वीडियो देख सकते हो कैसे इस ईयरबड को यूज़ करना है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो हम किस काम में आएंगे, तो जरूर से अगर चाहते तो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको इन डिटेल सारी चीज़ बताऊंगा ताकि आपको वो वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सारा डिटेल मेंशन है। कभी अगर रिसेट वगैरह करना हो तो जरूर से इसको अच्छे से संभाल के रखो, ये आपको आगे भी काम आएगा। उसके अलावा देख सकते हो आपको एक फीडबैक वाली कार्ड देखने को मिल जाती है, हैप्पी और नॉट हैप्पी, तो जरूर से बता देना आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 9500 से ऊपर आपको एक रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। TWS सिर्फ आपको 900 रुपीज़ का देखने को मिलती है, और आपको यहाँ पर रिवॉर्ड 9500 के मिलेंगे। किसको चाहिए तो भाई जरूर से QR कोड में दे रहा हूँ, स्कैन करके यूज़ कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो आपको यहाँ पर टाइप सी की एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेंगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करें इस TWS की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको काफ़ी एक ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने को मिलते हैं। इसकी जो प्लास्टिक की मटेरियल है आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस ऑलरेडी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे बहुत सारे स्क्रैचेस आ सकता है, तो जरूर से इसको ध्यान से रखना, मतलब इसे पॉकेट में कैरी करके ले जाए हो तो यहाँ पे कोई कीज़ या कॉइन्स साथ में मत लेना, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ने का चांसेस है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सामने आपको छोटी सी एक LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिलेगा। नीचे आपको देखोगे आपको एक टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे बात करें हिंस की क्वालिटी, आपको सुन सकते हो आपको काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मुझे इसकी जो हिंस थोड़ी सी लूज़ लगा। और देख सकते हो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे मेटल की इस्तेमाल किया गया है,
लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली प्लास्टिक है, लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पे मेटल वाली फिनिशिंग मतलब कलर करके इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो आप ये मत मान के चलो कि यहाँ पे आपको मेटल उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन कहूँगा कि हिंस की क्वालिटी ठीक ठाक है। प्राइस के हिसाब से हम ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो प्राइस के हिसाब से इस केस की जो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अभी अगर बात करते हैं इस ईयरबड्स के बारे में, तो ईयरबड्स आप देख सकते हो ये थोड़ा सा आपको जाना पहचाना जैसा लगेगा, क्योंकि ये मैंने सेम यहाँ पे बोट के जो अभी लॉन्च हुआ था बोट एड 111 यही सेम ईयरबड्स मैंने देखे थे। तो यहाँ पे आपको वैसे टाइप की ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आपको एक छोटे छोटे अक्षर में यहाँ पे टैग करके यहाँ पे मेंशन भी है, जिससे आपको फर्क पता चलेगा कि अगर आप बोट 111 यूज़ कर रहे हो या फिर टैग की ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन में कहूँगा कि काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी जो फिटिंग और कंफर्ट का मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आप कानों में बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आता है लॉन्ग टाइम तक इसको पहन के रखते हो तो। और फिटिंग भी देख सकते हो, आसानी से ये कान से बाहर नहीं निकलते, तो जिम हो गया या फिर रनिंग हो गया उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है, इसकी फिटिंग भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और टच कंट्रोल्स में अगर यहाँ पे इस ईयरबड को सिंगल बार प्रेस करते हो तो गाना को प्ले या फिर पॉज कर सकते हो। गाना को नेक्स्ट करने के लिए अगर यहाँ पे राइट ईयरबड को आप 3 बार टैप करोगे तो ये हो जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग के आने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करते हैं उसका डिटेल्स आप सिर्फ को मैनुअल पे देखने को नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसे टेस्ट करा था। तो यहाँ पे अगर आप राइट ईयरबड को 2 बार टैप करोगे तो आप जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर सकते हो, लेफ्ट ईयरबड अगर आप 2 बार टैप करोगे तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो। उसके अलावा अगर देखोगे कोई कॉल आता है, कॉल का अगर आपको आंसर करना है सिंगल बार कोई भी ईयरबड को अगर टैप करोगे तो आपका कॉल आंसर हो जाएगा। बात पूरा हो जाने के बाद कॉल को एंड करने के लिए कोई भी ईयरबड को अगर आप सिंगल बार टैप करोगे तो कॉल भी रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपको कॉल इग्नोर करना है, कॉल आपको रिसीव नहीं करना है, आप कोई भी ईयरबड अगर यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे आपका जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वॉइस असिस्टेंट को वेक करना चाहते हो तो आप कोई भी ईयरबड को यहाँ पे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपका जो वॉइस असिस्टेंट है, चाहे गूगल असिस्टेंट हो या फिर सीरी हो, ये यहाँ पे वेक हो जाता है। और कनेक्टिविटी में बात करें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है गाइस कि यहाँ पे इस डिवाइस की जो ब्लूटूथ वर्सन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल में देखने को मिलेगा, बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे मैंने जाके फ्लिपकार्ट में भी चेक किया, वहाँ पे भी आपको कोई भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन नहीं है। बाकी आपको रेंज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि यहाँ पे आपको 30 फीट की रेंज प्रोवाइड करेगा, मतलब 10 मीटर के रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन कह नहीं सकता करके आपको एक्चुअल में क्या देखने को मिलती है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोडेक AAC का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको IPX5 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से हल्के फुल्के पानी के छींटे गिरे, स्वेट वगैरह होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया हूँ कि यहाँ पे आपको 13 mm के ड्राइवर यूज़ किया गया है, वो कैसे साउंड करते हैं अभी इसका एक म्यूजिक टेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो करके इसकी हिंदी सॉन्ग में म्यूजिक आउटपुट सुन सकते हो। बात करते हैं के बारे में कि कैसे आप में से किसी 2 जन यहाँ पे 250 रुपीज का अमेजन भाउचर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, जो लाइक की टारगेट है बस 350 है। जैसे ही 350 के लाइक टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है, आप में से किसी 2 जन को यहाँ पे मैं गिव अवे दे दूंगा। और इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे प्यारा से कमेंट करना है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको यहाँ पे #DayByDay टैग भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइव आके यूट्यूब रैंडम कमेंट भी करते हुए 2 नाम को चूज करूंगा, जिन दोनों का नाम आता है उनको यहाँ पे मैं 250 रुपीज़ का अमेजन वाउचर गिव अवे कर दूंगा। तो जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना, और यहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम थ्रू कॉन्टैक्ट करूंगा, तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना।
तो म्यूजिक क्वालिटी में बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से जो म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिलता है, मैं कहूँगा कि आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलती है, कोई मुझे कंप्लेंट नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको कहूँगा कि जो ट्रेवल इतना ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलते हैं, बेस आपको अच्छा देखने को मिलती है, वोकल्स थोड़े से सप्रेस्ड है, लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं जो कहूँगा कि ओवरऑल जो साउंड आउटपुट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, 100% में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। आपको ऐसे ही सेम साउंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि अराउंड आपको 1500 के जो TWS रहते हैं वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो प्राइस के हिसाब से इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी है मुझे यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी म्यूजिक क्वालिटी मिल जाती है। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी कैसे मिल जाती है, सीधा अभी इसका एक टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आउटर कंडीशन में भी इसको अगर यूज करते हो जो बाकी क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। तो जैसे आपने इसकी कॉल क्वालिटी सुना तो यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी इतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलती है, थोड़ी सी आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉइज भी देखने को मिलेगा बैकग्राउंड का, वो ठीक है प्राइस के हिसाब से, लेकिन खास करके मैं कहूँगा कि इसकी जो कॉल की ऑडियो भी आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिला था, थोड़ी सी आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिला था। तो मैं कहूँगा कि प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक अगर यहाँ पे इंडोर कंडीशन में यूज़ करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको आउटडोर कंडीशन में इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे जो लो लेटेंसी तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको जो वीडियो और ऑडियो में लेटेंसी कैसे देखने को मिलेगा उसके रिलेटेड एक गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे मूवी वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे आपको जो डिले कैसे देखने को मिल सकता है यहाँ पे आप आइडिया कर सकते हो। तो जैसे आपने इसकी गेमिंग टेस्ट देखा तो यहाँ पे आपको लेटेंसी तो देखने को मिलती है, तो गेमिंग के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से अपना मूवी और जो म्यूजिक सुनोगे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। अगर बात करें फाइनली कि 900 रुपीज़ के हिसाब से ये कितने ओवर से लेना चाहिए नहीं, तो मैं कहूँगा आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी कॉलिंग के लिए तभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कि कॉलिंग के लिए इतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलता है, बस आपको इंडोर कंडीशन में इसको यूज़ करना है कॉलिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जो प्राइस के साथ आता है, जो फीचर आपको प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से कहूँगा कि ओवरऑल ये मैं कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी वाला TWS है। आप डेफिनेटली under 1000 में इसको कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और भी कुछ डाउट और कन्फ्यूजन हो इस पर्टिकुलर TWS के बारे में और आपको कोई कंपैरिजन देखना हो, आप जरूर से कमेंट में बताइए या फिर मुझे इंस्टा में फॉलो करके वहाँ पे भी DM करें, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जरूर से लाइक की टारगेट भी पूरा कर देना, ताकि जल्दी जल्दी हम यहाँ पर गिवअवे के भी अनाउंसमेंट कर पाए। ऐसे ही वीडियो और ऐसे गिवअवे के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।